हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 5 का चैप्टर 10 जो है इंग्लिश का आपका, जो कि है पैराडाइज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। पैराडाइज का या जो टॉपिक जो है आपको यह बता रहा है कि जो पक्षियां जो बाहर से उड़ते हुए आती है उनके लिए सबसे अच्छा जगह कौन सा है। ठीक है, पैराडाइज का मतलब ये होता है अच्छा जगह माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। अब शुरू करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम नेबरिंग चाइना एज वेल एज यूरोप हैव बिगन फ्लॉकिंग टू इकोलॉजिकल रिच डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान दिस ईयर ऑल थॉट अ लिटिल लेटर देन यूजुअल। मतलब हर साल की भांति इस बार भी चाइना और आसपास के जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ से जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो है राजस्थान की तरफ आती हैं, इस साल भी आई हुई हैं। अ लिटिल लेटर देन यूजुअल, पहले से थोड़ा कम। विथ देयर वेट लैंड थिक फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज द फोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हदौरी कोटा बूंदी बरन एंड झालावाड़ हैव नाउ कम टू रिकोगनाइज एज द पैराडाइज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एमॉन्ग फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक टूरिस्ट। मतलब राजस्थान में चार जगह हैं, हदौती कोटा एक हो गया, बूंदी दो, बरन तीन एंड झालावाड़ तीन। ये जो चार जो जगह हैं यहाँ पे बाहर से आने वाली पक्षियाँ और अपने इंडिया के भी पक्षियाँ, इन लोगों के लिए स्वर्ग जैसा है। मतलब इनके लिए बिल्कुल बैलेंस फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे बना हुआ रहता है। हदौती इज द सेकेंड होम फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम चाइना लद्दाख एंड यूरोपियन कंट्री। याद कर लेना है भाई, सेकेंड होम जो है बाहर से जो चिड़ियाँ बर्ड्स जो आती हैं चाइना लद्दाख से या यूरोपियन कंट्री से, उनके लिए हदौती जो है वो दूसरा घर के जैसा है। मतलब अपने जहाँ वो रहती हैं वहाँ से उड़ कर आती हैं तो उनके बाद घर जैसा लगता है उनको हदौती। द अराइवल ऑफ दिस बर्ड्स इज बिट लेट दिस ईयर, इस बार जो है पक्षियाँ थोड़ा लेट आई हैं। बट नाउ विथ द क्लिप इन टेम्परेचर द नंबर ऑफ अराइविंग बर्ड इज इंक्रीजिंग। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है और भी पक्षियाँ आ रही हैं। सेज राजेंद्र सिंह नथावट डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बूंदी। तो यह जो ऊपर का जो हमने जो लाइन पढ़ा ये सारा का सारा जानकारी हमको राजेंद्र सिंह नथावत जी ने दिया है, जो कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट का फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। ये बताते हैं कि एवरी विंटर, हर साल विंटर में हंड्रेड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स थ्रॉन्ग टू द वाटर बॉडीज ऑफ हदौरी रीजन एंड स्टे हेयर फॉर अक्टूबर लेट मार्च। तो ये बता रहे हैं कि हर साल विंटर सीजन में सैकड़ों संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आती हैं और हदौरी का जो वाटर है उसमें थोड़ा अपने आप को इंजॉय करती हैं और अक्टूबर से मार्च तक यहाँ पर रुकती हैं। इट इज ऑल्सो द सीजन ऑफ टूरिस्ट इंडस्ट्री, और इसी टाइम जो है टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि सभी लोग जो है पक्षियों को देखने यहाँ आते हैं। ये हो गया माइग्रेटरी बर्ड जो एक जगह से दूसरे जगह हमेशा घूमते रहते हैं। दूसरा है अकॉर्डिंग टू द बर्ड वॉचिंग एक्सपर्ट्स, जो कि एक्सपर्ट्स जो पक्षियों पर अध्ययन करते हैं, देयर आर मेनली टू सीजन फॉर द एक्टिविटीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन द रीजन। वो बताते हैं कि मात्र दो सीजन है जब माइग्रेटरी बर्ड्स ज़्यादा आती हैं, एक हो गया मानसून और आपका दूसरा हो गया विंटर सीजन, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च एंड वेन दे रिटर्न टू देयर नेटिव डोमेस्टिक। और अक्टूबर से मार्च तक रहती हैं, फिर अपने यहाँ जहाँ से वो आई हुई होती है वहाँ फिर चली जाती हैं। प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट एंड बर्ड वॉचर फ्रॉम कोटा। अब दिमाग में ये बात आप लोग रख लीजिएगा कि आर एस तोमर जी कौन है। तो आर एस तोमर जो हैं बहुत बड़े वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट और पक्षियों पर अध्ययन करने वाले हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोटा से। पॉइंट्स आवर दैट, इन्होंने नोटिस किया है कि बर्ड्स स्पीशीज लाइक बार हेड गूज एंड रडी